बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। ये देखें, ये सारे नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 86। अलहमरा के अफसाने किसकी तसनीफ़ है? ये गुलाम अब्बास की तसनीफ़ है। कुतुब मुश्तरी को किसने मुरतब किया? मौलवी अब्दुल हक ने। वट डिजिट डज नॉट एग्जिस्ट इन रोमन नंबर्स? रोमन नंबर्स में कौन सा डिजिट नहीं होता? ज़ीरो नहीं होता। आगे है मजूब की बढ़ होना, फजूल बात होना। बर्फ़ की बेटी बच्चों के लिए ये तसनीफ़ लिखी है, बच्चों के लिए ये नज़्म है मेरे ख्याल में, या ये कहानी है, गुलाम अब्बास की तसनीफ़ है। आगे देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन, विच कंपनी वाज ओन्ड बाय बिल गेट्स? बिल गेट्स किस कंपनी का ओनर है? माइक्रोसॉफ्ट का। Who wrote book The Making of Pakistan? The Making of Pakistan किताब किसने लिखी है? के अज़ीज़ ने। जज़ीरा सुखनवरा ये एक तंजिया तहरीर है, इसके मुसन्निफ हैं गुलाम अब्बास। चश्मदीद हालात व वाक़ियात की वो रुदा, चश्मदीद यानी के जिन्हें आँख से आँख ने देखा हो, उन वो हालात जो चश्मदीद हों, जिन्हें देखा हो, उन हालात व वाक़ियात की वो रुदाद जो अगरचे मारूजी वाक़ियात पर ही मुश्तमिल होती है, लेकिन मुसन्निफ़ का तख़य्युल और वाक़ियात के बारे में इसका मौजूई रवैया भी शामिल होता है, ऐसी तहरीर कहलाती है रपोर्ताज। यकीनन आपको नहीं समझ आई होगी, सादा अल्फाज में अगर समझाऊँ, रपोर्ताज रिपोर्ट से निकला है, रिपोर्ट से रिलेटेड है। जैसे न्यूज़ की कोई रिपोर्ट दी जाती है तो जो कुछ ऑब्ज़र्व किया जाता है उसे बयान कर दिया जाता है जाके। न्यूज़ रिपोर्टर जो नुमाइंदे होते हैं किसी भी न्यूज़ चैनल के, जो कुछ वो देखते हैं उसे सेम वैसे अगर बयान कर दें तो वो होगा रिपोर्ट, लेकिन जो कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो कुछ उन्होंने देखा, उसको इस तरह से बयान करें कि उनके अपने जज्बात भी अयां हो रहे हों कि उन्होंने क्या क्या महसूस किया, तो उस आँखों देखे हाल को कहेंगे रपोर्ताज। बच्चों के लिए लिखी है कहानी सुरैया की गुड़िया और इसके मुसन्निफ हैं गुलाम अब्बास। उर्दू में किस नकाद को इम्तजाजी तनकीद का बानी कहा जाता है? वज़ीर आगा को। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नाव खेलना के माना है कुंभे का खर्च उठाना। चांद तारा बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं गुलाम अब्बास ने। याद रहे गुलाम अब्बास अफसाना निगार भी थे और उन्होंने शायरी भी की थी। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32-bit कंप्यूटर 2? नेक्स्ट है कुली कुतुब शाह और उसकी महबूबा भागमती के इश्क का किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है? मसनवी कुतुब मुश्तरी। इंशा की कौन सी किताब बगैर नुक्तों के लिखी गई है? सुलगे गोहर। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ हरूफ मुकत्यात 29। हरूफ मुकत्यात की कितनी तादाद है? 29 है। इनमें सूरा ऑर्डर ऑफ ज़कात वर डिस्क्राइब्ड, किस सूरत में ज़कात का हुक्म दिया गया था? सूरह तौबा में दिया गया है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नमाज बहुत दीरे, हज़ारहा शजर सायादार राह में। ये शेर इसमें रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल है और ये सनतें सारी ग्रामर वगैरह मैंने ऑर्डर बना दी है। अगर कहीं आपको दुश्वारी हो तो मुझे बताइएगा, मुझे लेक्चर शेयर कर दूँगी। ही इज एग्रीड डैश माई प्रपोजल, इधर क्या आएगा ब्लैंक में? इधर आएगा टू। राइटर ऑफ किताबुल खिराज, किताबुल खिराज के मुसन्निफ कौन कौन है? इमाम अबू यूसुफ। आसिफ फरही ने अपने किस जरीदे के ज़रिए उर्दू अदब की खिदमत की थी? दुनियाजाद के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास, नांगा पर्बत इज़ द फेमस माउंटेन पीक ऑफ हिमालिया रेंज। नांगा पर्बत हिमालिया को हिमालय की बुलंद तरीन मशहूर चोटी है। मीर तकी मीर ने सर आमद शोराय हिंदी किसे कहा था? मिर्जा सौदा को। व्हाट परसेंटेज ऑफ 12 इज 3 इन 3? 12 इज 3 यानी कि 12 में जो 3 कितने परसेंट होगा? बहुत ही आसान है, 25% होगा। तफ़ही में गालिब के मुसन्निफ़ हैं शम्सुर्रहमान फारूकी। किताब समाज और शेर के मुसन्निफ़ हैं मसूद हुसैन खान। 18 इज 75% ऑफ 24।
ہتھیلی پر سرسوں جمانہ کے معنی ہیں جلد باز، جلد بازی، چالاکی یا عجیب کام کرنا۔ ایسا استعارہ جس میں مشبہ کا بیان ہو نہ ہو بلکہ مشبہ بہ کا بیان ہو، استعارہ بالتصریح کہلاتا ہے۔ یہ مشبہ مشبہ بہ تشبیہ وغیرہ کی ڈیٹیل میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں۔ جی ڈی پی اسٹینڈ فار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ کتابیں ہیں اردو غزل گوئی ایک کتاب ہے اور دوسری کتاب ہے اندازے، ان دونوں کے مصنف ہیں فراق گورکھپوری۔ جہاں نے دیگر آپ بیتی ہے اور یہ احسان دانش کی ہے۔ اردو مرثیہ کا ارتقا اس تصنیف کے مصنف ہیں مسیح الزماں۔ شکنتلا کے مصنف ہیں کاظم علی جوان۔ محشر بدیوانی کا اصل نام تھا فاروق احمد۔ ادبی تنقید کے لسانی مضمرات اس کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد بے۔ نیکسٹ ہے، شعر میں ایسے لفظ لانا جو تلفظ میں تو مشابہ ہوں لیکن معنوں میں مختلف ہوں، کیا کہلاتے ہیں تجنیس عام۔ جیسے تلفظ تو سیم ہے، کل کا یا کل کا، اور علم کا یا علم کا، تو ایسے الفاظ تجنیس عام کہلاتے ہیں۔ انیس کا اور انیس کا جیسے ہو گئی ایگزامپل۔ دستور ہند کے مصنف ہیں کاظم علی جوان۔ نون میم راشد پہلے کون سا ادبی نام استعمال کرتے تھے؟ راشد وہی تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں اردو کے پہلے منشی تھے بہادر علی حسینی۔ سنگھاسن بتیسی کے مصنف ہیں کاظم علی جوان۔ شاہنامہ اسلام کی چار جلدیں ہیں۔ ریختی کی صنف نے کس شہر میں فروغ پایا؟ لکھنؤ میں۔ آج کا یہ میرا لیکچر تھا جو میں نے گروپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جو مجھ سے پیڈ گروپ میں پڑھ رہے ہیں یہ سارے نوٹس ان کو آتے ہی ہوں گے کیونکہ میں انہیں ڈیٹیل سے لیکچر میں پڑھاتی ہوں۔ ویئر از گومار یونیورسٹی؟ ڈی آئی خان، ڈیرا اسماعیل خان میں ہے۔ یہ سہیل بخاری کے بقول 1917 میں کس تصنیف کی اشاعت پر راشد الخیری کو مصور غم کا خطاب ملا تھا؟ شام زندگی۔ شام زندگی کی بدولت راشد الخیری کو مصور غم کا خطاب ملا، اور یہ کب ملا؟ 1917۔ نالہ اندلیب کے مصنف ہیں ناصر اندلیب۔ پروین شاکر کے مجموعوں کی درست زمانی ترتیب، یعنی پہلا کون سا ہے اس کے بعد کون سا ہے زمانے کے حساب سے۔ صد برق، خود کلامی اور انکار۔ وہی کاسا وہی آش، اس کے معنی ہے حالات میں تبدیلی نہ ہونا۔ ڈرامے کی وہ قسم جس میں عامیانہ تفریح و تفنن کی خاطر مضحکہ خیز واقعات، عام فہم ظرافت اور ادنا درجے کی بذلہ سنجی سے کام لیا جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ فارس۔ حالی نے اچھے شعر کی کون سی خوبیاں بتائی ہیں؟ جوش، اصلیت، سادگی۔ اسکینر از این ان پٹ ڈیوائس۔ مواخذہ کرنا کے معنی ہے باز پرس کرنا، یہ حساب کرنا یا پوچھ گچھ کرنا۔ ادھر کنواں ادھر کھائی کے معنی ہے مشکلات میں گھر جانا۔ شعر ہے ایک، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ کلیات عدم کو مرتب کیا خواجہ زکریہ نے۔ ورلڈز لارجسٹ ڈیم، دنیا کا بلند سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ گارجیس ڈیم، تھری گارجیس ڈیم۔ اردو میں نفسیاتی تنقید کے حوالے سے سب سے اہم نام کس کا ہے؟ سلیم اختر کا۔ زیک میں پڑھنا کے معنی ہے مصیبت میں پڑھنا۔ وچ ٹائپ آف ایسڈ از یوزڈ ان کار بیٹریز، کس ٹائپ کا ایسڈ کار کی بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے؟ سلفورک ایسڈ۔ وزیر آغا کو کون سا ادبی مجلہ نکالتے، وزیر آغا کون سا ادبی مجلہ نکالتے تھے؟ اوراق۔ ساختیات کس چیز کا مطالعہ کرتی ہے؟ متن کا۔ مجمع النفائس کتاب کے مصنف ہیں خان آرزو۔ وچ از آ ریڈ اونلی میمری اسٹوریج ڈیوائس، سی ڈی روم۔ نوادر الالفاظ کتاب کے مصنف ہیں خان آرزو۔ سوسیئر نے زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ دو۔ ہاتھ پر سانپ کھلانا کے معنی ہے خطرناک کام کرنا۔ سراج اللغات کتاب خان آرزو نے لکھی ہے۔ نیکسٹ ہے، ہوز آٹو بایوگرافی واز دا لانگ واک ٹو فریڈم۔
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के उन्वान से किसने अपनी आप बीती लिखी थी? नेल्सन मंडेला ने। मताए लोहो कलम नसरी किताब है और इसके मुसन्निफ हैं फैज़। कसरत इस्तेमाल से किसी लफ्ज़ तरकीब या ख्याल का अपने असर ताजगी और नुदरत से महरूम हो जाना अदबियात की इस्तलाह में फरसूदगी कहलाता है। किताब नज़म कैसे पढ़ें? इसके मुसन्निफ हैं नासिर अब्बास नैयर। किताब अदबी थ्योरी को मुरतब किया कासिम याकूब ने। नाखून का जिगर खोदना के माना है अजियत में मुबतला होना। अब्दुल मजीद सालिक और ग़ुलाम रसूल मोहर ने मिलकर कौन सा अखबार निकाला था? इनकलाब। हाउ मैनी सीट्स इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान? 104। छछूंदर के सर पर चंबेली का तेल के माना है कमीने को बड़ा रुतबा मिल जाता है। किताब उर्दू शायरी का सियासी और समाजी पसे मंज़र। इसके मुसन्निफ हैं ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़कार। मैं किस फ़ारसी शायर को लिसानुल ग़ैब कहते हैं? ख्वाजा हाफिज़ शिराज़ी को। मसनवी बहराम और गुल अंदाम के मुसन्निफ हैं तबई। नक्श फरियादी फैज़ का शेरी मजमुआ है और इसका सन्नेशात है 1941। लास्ट ईयर PPSC टेस्ट इंटरव्यू में पूछा गया था एक कैंडिडेट से कि नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है। जब उसने बताया दैन उसका सन्नेशात पूछा गया, दैन ये पूछा गया था कि ये किसके शेर से इसका उन्वान मुस्तार लिया गया है, यानी उधार लिया गया है। नक्शे फरियादी फैज़ का शेरी मजमुआ है और इसका उन्वान गालिब के शेर से मुस्तार लिया गया है। फिर पूछा गया कैंडिडेट से कि गालिब के कौन से शेर से मुस्तार लिया गया है, तो कैंडिडेट ने शेर सुनाया नक्श फरियादी है जिसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन पैर करे तस्वीर का। अगर इस शेर की तशरीह में जाएं, कैंडिडेट से तशरीह भी पूछी गई थी, तो वो मैं डिटेल से कलीद उर्दू वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी तो आपको पता होगा। और ये भी पूछा गया था कि इस शेर में तसव्वुफ का इस्तेमाल किस हद तक है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर का सन्नेशात है 1980। किताब तारीख जमालियात के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और सिद्रा पूछ रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप लेक्चर अपलोड नहीं कर रही। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो पेड ग्रुप पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, उनको नोट्स भेजना, उनको लेक्चर भेजना, उनका टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लेना ये वो, तो इसलिए थोड़ी बिज़ी हो गई थी। कोशिश करूँगी कि बाकी यूट्यूब के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को भी मैं नोट्स शेयर करती रहूँ। मैंने सोचा था कि मैं इनको कंपोज़ करके अच्छे से नोट्स बना के अच्छी सी वीडियोस बना के शेयर करूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर दी है। थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।